कड़ी समोसा खाना हो गया है, और ये जो पैकेट है ना इसके अंदर मैंने 30 रुपए का कड़ी पैकेट। फाइनली हम पहुंच गए हैं, अभी जस्ट आए हैं एक जगह जहां पर अच्छा थाली मिलता है, तो मैं आपको दिखाता हूं। मटन थाली, फिश थाली, सी फूड, ये सब चीज़ें अच्छा मिलता है, तो आपको दिखाता हूं। उसी के लिए हम आए हुए हैं अभी लंच के लिए। सो सामने में दिखाता हूं, ये है रहा वो होटल, ये है वो होटल, बहुत ही अच्छा है, पुराना है, काफ़ी वेल नोन इन नासिक है, तो इसी को ही हम आए हैं आज एक्सप्लोर करने। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या अच्छा चीज़ ना मिलता है खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम फाइनली आ गए हैं। हाँ, पतला हो गया, कुछ नहीं, फोटो देख के देख रहा हूँ खुद को, तो ऐसा है। तो अभी जस्ट पहुँच गए हैं, अभी फर्स्ट फ्लोर में सीटिंग में बैठ गए हैं। क्या मंगाया है हमने, एक्चुअली मैं दिखाता हूँ आपको, आएंगे तो दिखाएं क्या मंगाया है वो दिखाता हूँ। ऑप्शंस क्या है, लाइक अभी दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा शायद। सो हम एक स्पेशल मटन थाली और एक चिकन थाली मंगा रहे हैं, आई थिंक कहाँ गया, यस। सो यही है, एक मटन थाली और एक चिकन थाली मंगाए, बाकी जैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा। स्पेशल मटन थाली में है मटन करी, एग करी, मटन फ्राई, 3 चपाती। सही है, बहुत ही अच्छा है, पेट भर के खाओ और क्या, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, हम लोग उसके फर्स्ट फ्लोर में बैठे थे, तो ग्राउंड फ्लोर में भी अवेलेबिलिटी है, ऊपर भी है, हम लोग थोड़े ऊपर बैठे थे क्योंकि हवा अच्छा आ रहा था, बट ये नॉन एसी अरेंजमेंट है, तो थोड़ा आप गर्मी में अगर जा रहे हो दोपहर को, थोड़ा आपको गर्मी यहाँ पर लग सकती है। सो जैसे आप देख रहे हो, फाइनली हमारी थाली आ गई है, चिकन थाली और स्पेशल मटन थाली, बहुत ही जल्दी ले आए, मेरे एक्सपेक्टेशन थे तो बहुत ही जल्दी था। चलो इसको आपको दिखाता हूँ अभी क्या क्या इसमें दिया है और एक डिटेल्स बताता हूँ। सो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्या है, एक सेकेंड जस्ट उल्टा करके दिखाता हूँ, तब तक चिकन थाली और स्पेशल मटन थाली आया हुआ है, दिखाता हूँ। तो ये है मटन थाली, मटन थाली में ये पापड़, रोटी, ये आई थिंक बिरयानी राइस है, ये है मटन करी, ये मटन करी, ये एग करी, राइट, और ये है कीमा, मटन कीमा, और ये है मटन सूखा, ये मटन का सूखा। तो ऐसा कुछ दिखता है अपना मटन थाली, काफ़ी अच्छा है। और चिकन में वही है चिकन करी, ये है अपना चिकन करी, चिकन करी ये है, फिर ये रहा रस्सा, ये राइस, चपाती। तो वो हमने मंगाया है नॉर्मल चिकन थाली, उसमें स्पेशल नहीं है तो इसलिए कम आइटम्स हैं, और यहाँ पर मटन थाली वो स्पेशल है तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स दिया हुआ है। तो चलो चलते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। चिकन तिखा आज ना मटन चिकन खाई लो, चिकन नहीं नहीं मटन खाई लो, मटन तिखा लो ना, हाँ
अभी आपको मटन दिखाता हूँ कैसा है। अच्छा है आई थिंक ना, पूरा ये हो गया है, अच्छे से गल गया है। थोड़ा सा तीखा है, थोड़ा सा तीखा चलेगा, पर कीमा इतना नहीं लगा मुझे तीखा, लेकिन सूखा तीखा है। हाँ करी तीखा, करी तीखा नहीं है, मटन सूखा थोड़ा सा तीखा है, तो वो चीज़ है। देखते ऐसा लगता है चिकन, चिकन करी तीखा है, बाप रे चिकन करी बहुत तीखा है, मटन इतना नहीं है, चिकन है। हाँ चिकन इसलिए तीखा है, मटन लो चिकन तीखा है, मटन कम है। पसीना निकल गया। सो जैसे आप देख रहे हो, हम लोगों ने पूरा थाली चट कर गया था, बट यही है कि वहाँ पर जो रोटियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो हम खा नहीं पाए, क्योंकि राइस और रोटी एक साथ ज़्यादा हो गया था, बट थाली हम पूरा चट कर गए थे। चलो खाना पीना हो गया, चलता है नीचे। क्या हुआ? एग्जैक्टली बहुत स्पाइसी था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो, अभी हम खाना खा के आ गए हैं, पूरा जलजली मिसल हो गए हैं, बहुत बहुत तीखा था। आई थिंक चिकन वाला जो थाली लिया था आपने देखा होगा राइट, वो ज़्यादा मेरे को तीखा लगा कंपेयर टू मटन, बट ऐसा कुछ है। अभी जस्ट दिखाता हूँ, ये रहा होटल राइट, ये होटल के सामने ही गाड़ी का पार्किंग का जगह है, तो इतनी मिर्ची लगी, ऊपर से गर्मी लगी कि हम लोग एसी लगा के गाड़ी में बैठे हैं, तो यहाँ पर ही बैठ के थोड़ा रिव्यू देते हैं, थोड़ा बताते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले हम गए और ऊपर अच्छा सीटिंग था, ऊपर हम बैठे, नॉन एसी सीटिंग है सब कुछ, सो फैन है, तो थोड़ा इन कंपैरिजन कूलर है, बट इन कंपैरिजन थोड़ा सा गर्मी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज अभी मई जून का महीना है तो ऑब्वियसली गर्मी तो है। ये रहा, उसके बाद हमने ये किया था, दो थाली मंगाए थे, एक चिकन थाली और एक मटन का जो स्पेशल थाली होता है उनका, वो मंगाया था। तो चिकन थाली में एक चिकन की सब्जी और फिर राइस और रोटी ये दिया गया था राइट, उतना ही था। और मटन थाली में था मटन करी, मटन कीमा, मटन सुखा, एक अंडा और था मटन बिरयानी, ठीक है, ये था मटन थाली में, और पापड़ था, ठीक है, और बहुत ही अच्छा था, स्पेशल थाली था, तो थोड़ा सा जो सोच रहे हो ना स्पेशल जैसा ही फील करवाया है, तो अच्छा था। कीमा मुझे सबसे अच्छा लगा, मटन कीमा वाज रियली गुड, मटन करी भी अच्छा है, मटन की क्वालिटी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत दिन बाद प्रॉपर मटन खाया, सो इट्स गुड। उस हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो मटन थाली यहाँ पर आके आप खा सकते हो, चिकन इज ओके ओके, मतलब इट्स चलेगा, इतना कुछ बोल नहीं सकते हो, बट मटन आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, मटन आपको ट्राई करना भी चाहिए, इट्स गुड। और बाकी रहा, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हो तो बी वेरी अवेयर कि यहाँ पर तीखा मिलता है, तो टेस्ट करके फिर अंदर
ज़्यादा लेना, बस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक एक जैसे मटन, बिल्कुल मटन की कीमा मुझे ज़्यादा तीखा नहीं लगा, चिकन तड़का जो करी होता है वो मुझे ज़्यादा तीखा लगा, फिर मटन का जो सूखा होता है वो बहुत ज़्यादा तीखा लगा, तो ऐसा कुछ है। सो अच्छा था, फॉर टू पीपल इज मोर देन एनफ। बहुत ज़्यादा खाने का था, हम लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया। तीन चपाती बहुत होता है, बड़ा साइज वाला जो महाराष्ट्रन चपाती होता है राइट, वैसा था, तो काफ़ी अच्छा है। और अराउंड हमने फिर एक थम्सअप लिया था, पानी लिया था, सब मिला जुला के 890 इज नॉट अ, मतलब बहुत ही अच्छा प्राइसिंग है उस हिसाब से अगर देखोगे तो आप। सो ये रहा हमारा नासिक का लंच का टूर। होपफुली आपने अगर वीडियोस देखे अभी जस्ट पूरे तो आपको अच्छा लगा होगा क्या कि हम यहाँ पर, और ये बहुत वेल नोन है ठीक है नासिक में, आप अगर आओगे किसी को भी पूछोगे तो सब जानते हैं, इट्स वेल नोन एंड वेल नोन फॉर इज मटन थाली। तो वही था कि नासिक जा रहे हैं, यहाँ पर मटन थाली सील टेस्ट करेंगे, तो वो था। और वर्षा आपको और कुछ बोलना है, हाउ वाज योर थिंग, आपको कैसा लगा? अच्छा था, क्योंकि हम लोग कम स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा स्पाइसी लगा, बट टेस्ट वाइज अगर आप स्पाइसी खाते हो तो हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पर मैंने लोग देखा पूरा चट कर गए थे थाली, ठीक है, हमारे थाली में भी रस्सा मतलब करी थोड़ा थोड़ा था, बट देर आर पीपल जो पूरा चट कर गए थे। तो अगर आप ऐसा मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं बचपन से वो खाते हैं तीखा, तो महाराष्ट्रियन है एग्जैक्टली, वो बहुत हाई ऑन स्पाइसेस होता है, तो स्पाइस खाते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो दिस इज योर प्लेस भाई, डेफिनेटली। मटन पसंद है, स्पाइस पसंद है तो नासिक आ रहे हो इधर आ जाना, और स्पाइस अगर इतना भी पसंद नहीं है लेकिन मटन पसंद है तब भी आना। लेकिन हाँ, जब आप करी या किसी भी चीज का जो बोलते हैं ना ग्रेवी टेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा संभल के, अदरवाइज मटन बिल्कुल भी तीखा नहीं था, मटन इज गुड, ओनली दैट करी एंड दैट ग्रेवी वाला चीज वो थोड़ा हर जिस किसी एलिमेंट में आप मंगाओगे ना जो भी हो वो तीखा ही रहेगा, तो वो एक्सपेक्ट करते हो महाराष्ट्रियन फूड में। तो ऐसा कुछ था फूड। तो अभी चलते हैं और एक नया डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, तो गर्मी तो हो चुकी है तो थोड़ा अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं, एसी थोड़ा ठंडा करके फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। चलो चलते हैं।